भारत की फार्मा इंडस्ट्री को इस बार अफगानिस्तान की तरफ से धक्का लगा है और खबरों के मुताबिक अब तालिबान भारत में बनी दवाइयों को मेडिकल स्टोर से फेंकवाने का काम शुरू कर चुका है। वैसे और देशों की दवाइयां भी तालिबान के इस गुस्से का शिकार हुई हैं, पर भारत का नाम इसलिए इस खबर में सबसे आगे आया है क्योंकि अफगानिस्तान में बिकने वाली 80% दवाइयां फिलहाल भारत से ही सोर्स की जाती हैं। एक और बात, यहां हम केवल कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयां यानी कि गर्भ निरोधक औषधियों की ही बात कर रहे हैं, जिसे तालिबान किसी भी कीमत पे मेडिकल स्टोर्स पे बिकने से रोकना चाहता है। दरअसल काबुल समेत अफगानिस्तान के बड़े शहरों में तालिबान सभी दवाइयों की दुकानों पे छापेमारी कर रहा है और घर घर जाकर परिवारों को कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। तालिबान सरकार का ये मानना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल अफगानिस्तान की बहुसंख्यक समुदाय को कम करने के लिए किया जा रहा है। खैर, इस सोच पे हम टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे, पर लिए गए इस कदम की वजह से भारत की फार्मा इंडस्ट्री को करीबन $10 मिलियन का नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि भारत ने 2021 से 2022 के बीच करीबन $126 मिलियन के फार्मा प्रोडक्ट्स अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किए थे और कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयों का शेयर इनमें करीबन $10 मिलियन था। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री का अंदाजा अफगानिस्तान में अपने शेयर को इस साल $140 मिलियन तक बढ़ाने का था, लेकिन तालिबान कंट्रोल्ड इस देश में इस साल एक बड़ा बिजनेस लॉस देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान में वैसे भी भारत ने किसी भी देश के मुकाबले काफी बड़ी भूमिका निभाई है, अब चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यही वजह है कि आज भी अफगानिस्तान में भारत को एक अच्छा दोस्त माना जाता है। अब रीजन चाहे जो भी हो, पर इस कदम से भारतीय कॉन्डोम और कॉन्ट्रासेप्टिव मैन्युफैक्चरर्स के एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत अफगानिस्तान में बेस्ड ऑन फार्मा स्टोर्स के लिए खड़ी हो चुकी है, जो लाखों रुपए का कॉन्ट्रासेप्टिव स्टॉक अपने पास जमा किए बैठे थे। पर हमें लगता है कि इस तरह के रूल्स को जारी करने से ऐसी जगहों पे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली परिवार नियोजन परिवार मिलकर तय करता है, ना कि देश की सरकारें। और हमें लगता है कि ऑफिशियली भले ही बर्थ कंट्रोल करने वाली दवाइयां और डिवाइसेस पे बैन लग गया हो, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल चुपचाप करते रहेंगे। अगर थोड़ी सी भी नई जानकारी आपको इस वीडियो से मिल पाई है तो कमेंट सेक्शन में MII लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।